अभी तुम दो काम करो, एक सामान्य रहो और साफ सुथरा रहो। पर जो कुछ भी नहीं है उसको दिखाने की बहुत तलब है कि लोग मुझे देखें, मैं 5 लाख की घड़ी लगा लूं। कि क्या हो गया यार इस आदमी को? बाहर जाओ, पेज कॉपी जो भी है उसको लेकर आओ। काम मेरा होना चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ वो होना ही चाहिए, और एक झटके में उठा भगा देंगे, इतना याद रखना। सामान्य रहो, सामान्य से कपड़े पहनो, सामान्य से। बहुत अति सामान्य होने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। एक खादी में तुमको 50 रुपए मीटर, 100 रुपए मीटर कपड़ा मिल जाएगा, बढ़िया। अभी तुम अति सामान्य होने की कोशिश मत करो कि लोग मुझे देखें, मैं 5 लाख की घड़ी लगा लूं, सीके का शर्ट पहन लूं, कोई फायदा नहीं है। अभी कोई फायदा नहीं है, अभी तुम साफ सुथरा रहो, साफ सुथरा रहो और सामान्य रहो, शांत। अभी तुम दो काम करो, एक सामान्य रहो और साफ सुथरा रहो। बहुत ज्यादा अपने आप को दिखा, तुम क्या दिखा रहे हो? तुम्हारे पास पद आ जाए तो लोग तुमको खुद ही देखना शुरू कर देंगे। तुम किसी पार्टी में गए और तुम 10 लाख रुपए का सूट पहने हो, 15 लाख का, और तुम कुछ हो ही नहीं। इसलिए जितने लोग कुछ नहीं होते वो कपड़े और गहने पे बड़ा ध्यान देते हैं। शादी विवाह में देखो, किसी आईएस को तुम नहीं देखोगे 4 चेन पहना हुआ है सोने की, 5 घड़ी अंगूठी पहना है ना, उसको जरूरत ही नहीं। सिंपल उसने सूट डाली, शर्ट डाली, जींस पहना है, पैंट पहना, चला है, सब भाग रहे उसके पीछे। साहब साहब नमस्कार, साहब एक बार आप हमारे मुंह पे थूके थे नवाबगंज में, अच्छा अच्छा पर जो कुछ भी नहीं है उसको दिखाने की बहुत तलब है। तो जैसे रामचंद्र जी 14 साल जंगल में गायब हो गए, ऐसे तुम भी गायब हो जाओ। जो लोग तुम्हारे जीवन में विधाई बातें तुमसे करते हैं उनका छोड़ के सबका नंबर डिलीट कर दो। ये तुम्हारे मामा हैं, बुआ हैं, फूफा हैं, और तुमसे अच्छी बातें करते हैं, तुम जब उनसे बात करते हो तो तुमसे वो विधाई बातें करते हैं। ये पैरामीटर बनाओ रिश्ता रखने, बाकी सबका डिलीट कर दो। कह दो भाई नौकरी लग गई HCL में, हम दिल्ली जा रहे हैं, वो हम IAS की तैयारी नहीं करेंगे। सबको बता दो कि हम तैयारी छोड़ दिए, सब बेवकूफी का काम है, किसी का होता होता है नहीं। सुन लो, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, अभी अभी आए हो, किताब उताब तो लाए नहीं? पीछे जो तीनों लोग अभी अभी आए हो, कॉपी अपी लाए हो? क्यों, जाओ तीनों लोग निकलो यहां से, हटो, जाओ 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 निकलो। कॉपी क्यों नहीं लाए? पढ़ने आई थी ना कोचिंग, जाओ कॉपी लेकर आओ, जाओ जाओ तीनों लोग जाओ, या तो कॉपी लेकर आओ या तो मत आओ, जाओ बाहर जाओ, पेज कॉपी जो भी है उसको लेकर आओ तीनों आदमी, और या तो मत आना। पिक्चर देखने आए हो? चले आए। मूवी देखने आए हो? सब कोचिंग वालों ने दिमाग खराब कर रखा है, बजा रहे ना, सोचते मेरा एडमिशन टूटा, मैं भगा मार का डंडा, एक एक आदमी को मारेंगे यहां गिरा गिरा के। चले आए बताओ, बिना कॉपी पेन के चले आए, पिक्चर देखने आए हैं, कोचिंग जा रहे थे, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं की? कुछ तो मास्टर बोलेगा जो मैं लिखूंगा। हिम्मत देखो, और ज्यादा नहीं, 2-4 लोग मारेंगे पूरी क्लास सही रहेगी, 3 ही 4 लोगों को निकालना पड़ेगा मुझे, और एक झटके में उठा भगा देंगे, इतना याद रखना। काम मेरा होना चाहिए, जो मैं कह रहा हूं वो होना ही चाहिए।
भगाएंगे और मारेंगे अलग से। तो तुम्हारे लिए काम करने आए हैं यार, तुम्हारा जीवन बदलने की प्रयास कर रहे हैं और तुम नेता बन रहे हो। कोचिंग संस्थान है दिल्ली से लेकर यहां तक, ये तुमको कुछ नहीं कहती क्योंकि तुम इनके बाजार हो। क्योंकि तुम इनके बाजार हो, बाजार। एक बार तुम्हारे जेब से पैसा ले लिया बस खत्म। इसलिए देखो तो तुम एडमिशन लेने जाते हो तो तुम्हारे साथ कितना बढ़िया व्यवहार होता है, मॉल की तरह व्यवहार होता है, मॉल की तरह। कोई तुमको दुखी नहीं करना चाहता क्योंकि तुम तो जाओगे ही, बाहर जाके चार लोगों को और मना कर दोगे, लेकिन शुरुआत में ही तो करोगे। एक बार अमृत बहने लगा, रिजल्ट आने लगा, फिर तुम किसी को अगर नुकसान पहुंचाना चाहते हो छोटा सा पहुंचाओगे, उससे ज्यादा नहीं पहुंचाओगे। तुम किसी को मिटा ही नहीं सकते, सिर्फ बना सकते हो। इसलिए जितने लोग दूसरों को मिटाने के चक्कर में, वो खुद ही खत्म हो जाते हैं। कुछ चीजें हैं जो भगवान ने अपने हाथ में रखी नहीं, हर पटीदार दूसरे पटीदार के लड़के को मिटा दे। हमारे गांव में जिस आदमी ने सब लोगों को गांजा पीना सिखाया, सबको, उस आदमी का बच्चा ट्रेन में बैठकर आ रहा था। अक्सर लोगों की आदत होती है ना दरवाजे बैठने की, गिर गए, ये दोनों पैर कट गया 28 साल की उम्र में। दरवाजे के बाहर वो व्हील चेयर होती है ना, उसे बैठे रहते हैं। 28 साल की उम्र का लड़का है, 6 फुट का लड़का, और दोनों पैर कट गया दोनों। अब सोचो उनके मन पे क्या बीतती होगी। तो मैंने उनसे कहा कि ये दंड है, अभी भी सुधर जाओ। उनको तो हमको देख के समझ में ही नहीं आता कि क्या हो गया यार इस आदमी को। सब वो बेचारे समझ ही नहीं पाते कि इस आदमी को हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, बस यही संतों से मुलाकात हो गई, इनकी बात समझ में आ गई। मैंने कहा ना यथार्थ अर्गानंद जी की गीता का नाम है और श्री हमारे गुरु जी का नाम है श्रीकांत यादव, 6.5 फीट हाइट है, 85 साल उम्र। क्लास में आ जाएंगे तो देखते ही रह जाओगे, ऐसे इतना तेज है चेहरे पे, 85 साल उम्र।